हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सॉल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसकी अप्रोच देखेंगे और उसको कोड करेंगे। और जो भी अपनी प्रॉब्लम का लिंक होगा और जो भी कोड का लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्रॉब्लम अपने को क्या कह रही है कि हमें एक बाइनरी ट्री गिवन होगा, सिंपल, ठीक है। और हमें क्या गिवन होगा, एक बाइनरी में अपने पास क्या होता है, एक तो लेफ्ट होता है और एक राइट होता है। साथ में हमें नेक्स्ट राइट पॉइंटर भी गिवन होगा, ठीक है, जो स्टार्टिंग में कहाँ पॉइंट कर रहा होगा, हर नोड का गार्बेज वैल्यू पे पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट राइट पॉइंटर को राइट वाली नोड पे पॉइंट कर देना है हर नोड की। मतलब कि हमें क्या करना है, देखो, अगर 3 के राइट में क्या है, 5, तो 3 का जो नेक्स्ट राइट पॉइंटर है वो कहाँ पे पॉइंट करना चाहिए, 5 पे। सिमिलरली 4 का नेक्स्ट राइट पॉइंटर 1 पे और 1 का 2 पे। और जो ये सारी लास्ट वाली है, जैसे 10 के आगे तो कोई है नहीं, तो इसका भी नल पे, 5 का भी नल पे और 2 का भी नल पे, ये अपना मेन काम है। मतलब हमें करना क्या है, 10 के आगे कोई नहीं है तो इसका जो नेक्स्ट राइट पॉइंटर है उसे नल पे कर दो, ठीक है। इसके नेक्स्ट राइट पॉइंटर को 5 पे कर दो, 5 के को नल पे कर दो। सिमिलरली 2 के को नल पे कर दो, 4 के को 1 पे और 1 के को 2 पे। अब यहीं से हमें सारा पंगा अपना जो है ऑब्जर्व हो जा रहा है, हमें कैसे ट्रेवर्स करना है, हमें कुछ इस तरह ट्रेवर्स करना है अपने, ठीक है, ट्री को। अब ये वाला ट्रेवर्सल कौन सा होता है, अपना लेवल ऑर्डर, ठीक है। अब अगर हम लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल करें, सिंपल क्या करें, इस लेवल में कितनी नोड है, 10, ठीक है, इसके आगे नल कनेक्ट कर देंगे। इस लेवल में कितनी नोड है, 2 नोड, 3 और 5 अपने पास आ जाएगी, 3 के आगे 5 कनेक्ट कर देंगे, 5 के आगे नल कनेक्ट कर देंगे। इस थर्ड लेवल में कितनी नोड है अपने पास, 3, 4, 1, 2, 4 के आगे 1 लगा देंगे, 1 के आगे 2 लगा देंगे, 2 के आगे नल लगा देंगे, ठीक है। बस अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सिंपल क्या करना, कुछ भी नहीं, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करना, ठीक है, वही कर देते हैं। इसमें लेवल ऑर्डर कैसे करते हैं, हम क्यू लेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी एक बार आपको बता देता हूँ। इसमें हम क्या करते हैं, एक क्यू लेते हैं, ठीक है, ये क्यू ले लिया हमने। सबसे पहले रूट पुश कर दो, 10 पुश कर दो, ठीक है, 10 पुश कर दी। अब 10 को जब आप पॉप करोगे तो देखोगे इसके लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें पुश कर दो। लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, जी करता है 3, राइट एग्जिस्ट करता है, जी करता है 5, ठीक है। सबसे पहले ट्रेवर्सल में क्या क्या अपना पॉप हो, खाली 10, ठीक है, 10 के एक हम नल लगा देंगे, इसको किसी एरे में स्टोर करके फिर नल लगा देंगे। फिर अगली ट्रेवर्सल में हम क्या करेंगे, देखें क्यू का साइज कितना है, 2 साइज है क्यू का, 2, तो 2 बार पॉप करेंगे। पहली बार 3 को पॉप करेंगे, इसको किसी एरे में पुश कर देंगे, ठीक है। 3 को जैसे ही पॉप करा, देखेंगे इसके लेफ्ट और राइट है, उनको पुश कर देंगे, ठीक है। अब 2 साइज था, 1 बार था, पॉप हो गया। सेकंड टाइम किसको पॉप करेंगे, 5 को, 5 का देखेंगे लेफ्ट और राइट है, राइट है, तो राइट को भी पुश कर देंगे, 2 भी यहाँ पे पुश हो गया, ठीक है। साथ में जो 5 पॉप किया था ये यहाँ पे आ गया, एरे में क्या गया, 3 और 5, 3 के नेक्स्ट में क्या लगा देंगे, 5, 5 के नेक्स्ट में नल लगा देंगे, ठीक है। अब देखेंगे एरे का साइज कितना अपना, 3, सॉरी क्यू का साइज अपना कितना है, 3, ठीक है, 3 है, तो 3 बार पॉप करेंगे। पहले इसको पॉप करेंगे, देखेंगे इसका लेफ्ट राइट है नहीं, देखेंगे इसका लेफ्ट राइट है नहीं, देखेंगे इसका लेफ्ट राइट है नहीं। साथ जैसे पॉप करते रहेंगे इनको एरे में भी पुश करते रहेंगे, एरे में कैसे आ जाएंगे, 4, 1, 2, 4 के नेक्स्ट में क्या लगा देंगे, 1, 1 के नेक्स्ट में क्या लगा देंगे, 2, 2 के नेक्स्ट में लगा, ठीक है, ये अपना फाइनल सॉल्यूशन बन गया। ये काम हम कर लेते हैं। सबसे पहले क्यू ली, क्यू में हमें क्या पुश करना, रूट, ठीक है, जब तक हमारी क्यू खाली नहीं होती, और जितना क्यू का साइज है, ठीक है, उतनी बार पॉप करना है। जैसे कि हम यहाँ पे सबसे पहले हमने 1 साइज के लिए, फिर तो अपने 2 साइज के लिए, फिर 3 साइज के लिए, ठीक है, उतनी बार पॉप करेंगे, लूप चला लेंगे उतनी बार के लिए अपनी, ठीक है, पॉप करेंगे, टेम्प नोड में ले लेंगे, फ्रंट ले लिया और पॉप कर दिया। और जो ये टेम्प है इसको एक एरे बना के इसमें भी पुश बैक कर देंगे, जो हम एरे ऊपर ले रहे थे अपने अप्रोच में, देखा एक एरे लेंगे, जैसे 3 और 5 आएगा उसमें, 4, 1, 2 आएगा, ठीक है, उसके लिए एक एरे ले लेंगे, ठीक है जी, हमने एरे ले लिया। अगर टेम्प का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो क्या करो, क्यू में पुश कर दो टेम्प का लेफ्ट। सिमिलरली अगर इसका राइट एग्जिस्ट करता है तो क्यों मैं पुश कर दो इसका राइट, ठीक है, ये काम हो गया। और इसके बाद अपने पास क्या आ जाएगा, जो एरे होगा उसमें करंट लेवल पे जितनी भी नोड होंगी वो आ जाएंगी। जैसे पहले
में एरे में 10 आएगा, फिर एरे में 3 और 5 आएगा, फिर एरे में 4 1 2 आएगा। ठीक है, अब देखो 5 10 के आगे भी मिनर लगाना है, 5 के आगे मिनर लगाना है, 2 के आगे मिनर लगाना है। ठीक है, काम को इजी बनाने के लिए क्या कर लेंगे, एरे के लास्ट में एक पुश बैक कर देंगे नल। ठीक है, अब एरे कुछ किस तरह का बन के आ गया, अगर मैं लास्ट वाले लेवल की बात करूँ, इस वाले लेवल की अपनी अगर मैं बात करूँ, ठीक है, एरे बन के आ गया 4 1 2 और नल। अब हमें सिंपल क्या करना है, इस आई के नेक्स्ट राइट में क्या डाल देंगे, i+1। इस आई के नेक्स्ट राइट में क्या डाल देंगे, i+1। इस आई के नेक्स्ट में क्या डाल देंगे, i+1। ठीक है, तो मतलब ये फाइनली ऐसा कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वही काम कर लेते हैं अपना, 4 int i = 0, i<s_i++, एरे ऑफ आई का जो नेक्स्ट राइट पॉइंटर है उसमें एरे ऑफ i+1 डाल दो। ठीक है, रिटर्न कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको एक बार चला के देख लो, सबमिट मार दो जिसको। सबमिट भी हो गया। ठीक है, आई होप गाइस आपको अप्रोच भी समझ में आएगी, कोड भी समझ में आया होगा। किसी प्रकार का डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो, और जो अपनी कोड का लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो, तब तक के लिए।